एवरीवन वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 5 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको वैल्यू बतानी है ए की, ठीक है। ये जैसे आपको एक 2x² प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है, इसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अगर इस पूरे की वैल्यू है 5, यानी एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 5, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी जब यहां पर एक्स 0 है तो, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें समझ आ गया क्वेश्चन। ये एक इक्वेशन आपको दिया गया है 2x² प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू है 0, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। एंड ये कैसे होगा, जैसे आप x की वैल्यू फाइंड करते हो ना, वैसे आप a की वैल्यू फाइंड करोगे। x की जगह तो 0 रख देंगे। देखो क्या है, 2x² प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, तो 2x² यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0, x की जगह 0 रखा, माइनस a इज इक्वल टू 5। तो जहां जहां x है वहां आप 0 रख दोगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे 0 और ये 2, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, है ना। फिर आगे सेम, प्लस 0 माइनस ए इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ 2 और 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0 ही हो गया, तो इसको हम 0 ही लिख देते हैं, 0 माइनस ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो जब माइनस ए 5 है तो ए क्या होगा, ए माइनस 5 होगा, ठीक है। तो ए माइनस 5, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई। इस तरीके से आप सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0 और फिर ए की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये क्वेश्चन 9 है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है ना क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट कर देना क्या कोई डाउट है। वैसे इससे पहले कि अगर आपने सारे क्वेश्चन करे हैं, तो ये क्वेश्चन तो इतना इजी है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बस समझने की बात थी इस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का एंड एक्सरसाइज का, उसको अगले वीडियो में देख लेंगे।